ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, परम भक्तों, इस संसार में हर एक प्राणी को कोई ना कोई परेशानी रहती ही रहती है। आप लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण है कि धन का होना। धन आपके पास कैसे आएगा? लक्ष्मी मैया को कैसे प्रसन्न करेंगे? लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जब लक्ष्मी मैया देने शुरू करती हैं तो इतना देती हैं, इतना देती हैं कि संभाले नहीं संभलता। और जब लेने पे आती हैं तो उनकी बहन दलिद्रता वास करने लग जाती है। जब उनकी बहन दलिद्रता वास करती हैं, घर में बीमारी, दुख, जो भी काम जाते हो, कोई काम नहीं बनता, तो समझिए कि उनकी बहन का आपके घर में वास हो गया। अब मां लक्ष्मी नाराज क्यों हुई है? घर में साफ सफाई जितनी रखेंगे, लोगों को दान दक्षिणा देंगे, उतनी ही जल्दी मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वीरवार के दिन एक छोटा सा उपाय करें, मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे। करना क्या है? वीरवार के दिन पहली रोटी घी लगाइए, उस पे गुड़ रखिए और गौ माता को खिला दीजिए। दूसरा उपाय, कहीं भी वृक्ष मिले आपको, कौन सा वृक्ष? केले का पेड़। केले का वृक्ष आपको कहीं भी मिले, संध्या के टाइम पे 5 रुपए या 1 रुपए का सिक्का 7 गुरुवार को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। ये छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। जिन लोगों को आर्थिक मंदी के सामना करना पड़ सकता है, बिजनेस नहीं चल रहा, वो लोग 7 वीरवार इस उपाय को करें, मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धन दिन दोना रात चौगुना, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय।